दोस्तों, आप अपने दोस्त केपी के साथ और देख रहे हैं टेक्निकल कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, आज आपने देखा होगा, आज और आज कल कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है कि इतना ज्यादा न्यूज आ रहा है कि आप देखेंगे कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा हलचल में है और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है कि शायद अब जो है उसे माइन करना काफी कठिन हो गया है, मतलब एकदम नामुमकिन साध हो गया है उसे माइन करना। और दोस्तों, फिर भी आप अगर बिटकॉइन में पैसे कमाना चाहते हैं, बिटकॉइन से अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास में एक ही उपाय है कि आप बिटकॉइन को अभी जितनी जल्दी हो सके खरीद लीजिए। अगर आप बिटकॉइन को अभी खरीद लेंगे तो क्या होगा कि आने वाले समय में आपके पैसे दोगुने, चारगुने या पांचगुने या दसगुने भी हो सकते हैं, जैसे मेरा खुद का हुआ है। मैं खुद जो इस चीज़ को भोगा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद भोगी हूँ इस बात का कि मैंने अपने पैसे लगाए थे बिटकॉइन में लगभग 10 से 20 हज़ार, आज देखिए कि मेरे पैसे लगभग 1.5 लाख के करीब में हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जब बिटकॉइन की रेट प्राइस कम है तो आप उसे खरीद लीजिए, और आने वाले समय में जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसको बेच भी सकते हैं, या चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी बिटकॉइन की रेट लगभग 12 लाख के करीब है, और मैं आपको ये भी अनुमान लगा दूं कि 2018 के अंत तक इसकी प्राइस जो है कम से कम 30 लाख क्रॉस होगी, कम से कम 30 लाख से क्रॉस हो चुकी होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आज आप बिटकॉइन खरीदिए। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इंडिया में घर बैठे बैठे अपने रुपए से बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। दो ऐसे एक्सचेंज है इंडिया में, जेपे और यूनोकॉइन, हम दोनों के जरिए आपको बताएंगे कि आप कैसे यहां से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि कैसे आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं अपने रुपए से, ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों आपके सामने ये है इंडिया की दो सबसे बड़ी एक्सचेंज, जेपे और दूसरा यूनोकॉइन। इन दोनों पे आप आसानी से बिटकॉइन को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप, मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादातर आप यूनोकॉइन को ट्राई कीजिए, लेकिन यूनोकॉइन वेरिफिकेशन में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, तो आप जेपे को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है कि अपना सारा प्रोसेस, सारा डाटा उसमें देख, ताकि आपका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, रिजेक्ट नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको अपने आप को वेरीफाइड करवाना होगा इन दोनों साइट पे, क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिया के नागरिक हैं और आप रियल है, आप फेक व्यक्ति नहीं है, तो ये इसलिए आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जेपे की। तो जेपे एप्लीकेशन को आपको बस अपने प्ले स्टोर पर जाना है और लिखना है ZEBPAY, जेपे को आप, ऐसा आइकन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद सिंपल में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी मांगा जाएगा आप वहां पे सिंपली आप उसको दे देना है, आप दे दीजिएगा। आपसे एक रेफरल कोड भी अगर मांगा जाए अंदर में तो आप दे दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि कहां पे आपको देना है। अब चलिए मैं फिलहाल जेपे को ओपन करता हूं और यहां से मैं बताता हूं कि जब आप इसमें साइन अप करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाए तो आप थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा। वेरिफिकेशन यहाँ से करवाना होता है आपको, वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको जो है कि आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आपको कहेगा ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती है जिसको वेरीफाइड होता है, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, ठीक है ना? तीनों को आपको वेरीफाइड करवाना होता है। तो यहाँ से आप सिंपली ईमेल को यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको पैन कार्ड डालना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप पैन कार्ड पे जो नाम है वो आप नाम डालिए, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको गया पैन कार्ड का फोटो खींच के डालने के लिए, तो एकदम साफ सुथरा फोटो खींच के डालेंगे, ठीक है ना? तभी जाकर वेरीफाइड होगा, ये अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक अकाउंट पे आएंगे और बैंक अकाउंट अभी आपको अप्रूव कराना होगा जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हैं, यानी कि जब आप इसको बेचेंगे बिटकॉइन को यहाँ से, तो आप किस बैंक अकाउंट में उस पैसे को लेंगे, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना होगा। और ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बैंक अकाउंट यहाँ पे जो देते हैं वो बैंक अकाउंट, ऐसा बैंक अकाउंट दे देते हैं बस फोटो खींच के दे देते हैं, और फोटो खींचने के बाद बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है उसका फोटो खींचने के बाद जब आप यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, ये आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपली किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान में जाइए जहाँ पे स्कैनिंग करता हो, बस उनको बोलिए कि हमको अपने पासबुक का स्कैन करवाना है या कोई कैंसिल चेकबुक है उसका स्कैन करवाना है, और स्कैन करवा के अपने मोबाइल में डाल लीजिए और उस मोबाइल में से आप यहाँ पे को अपलोड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, स्कैन करवा के डालिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा ये। उसके बाद आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड का आगे का और पीछे का दोनों का फोटो खींच के और आधार कार्ड की डिटेल्स डाल के आपको सबमिट कर देना है, और ये आपको 24 से 48 घंटे में ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कर देगा।
उसके बाद यहाँ से आप बिटकॉइन इजीली खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ कि यहाँ पे मैं अगर आप मेरे जरिए यहाँ पे बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपको 100 रुपये का जो है आपको बिटकॉइन फ्री मिलेगा खरीदते वक्त, यानी कि खरीदेंगे आप अगर 5000 का या 2000 का या 2500 का तो 100 का आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, काम क्या करना होगा, 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा और फ्री बिटकॉइन में आइएगा। फ्री बिटकॉइंस में आने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे, जब आप फ्री बिटकॉइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आप प्रोमो कोड इंटर कीजिए और वेरीफाइड करवाइए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा साइनअप करते ही समय ये चीज़ करवा लीजिएगा, बाद में आपको करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बाद में आप खरीदेंगे आपको 100 रुपये का बिटकॉइन फ्री मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेफर कोड नजर आ रहा है स्क्रीन पर, मैं भी दे रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लीजिए, REF 999 77 874 REF 999 77 874। ये डाल दीजिएगा, डालने के बाद वेरीफाई करवा लीजिएगा और वेरीफाई करने के बाद जब भी आप यहाँ से खरीदिएगा ना बिटकॉइन तो आपको जो है कि 100 रुपये का बिटकॉइन फ्री मिल जाएगा। चलिए ये तो बात होगी फ्री की, अब बात करते हैं बाई कैसे करेंगे। देखिए बाई और सेल करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस आपका 0 है, तो यहाँ पे आपको पहले बैलेंस डिपॉजिट करवाने होंगे, उसके बाद आप बाई और सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिपॉजिट पे जाना होगा और डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हैं, देखिए डिपॉजिट करने के 3-2 तरीके मैं मानता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप इनके बैंक अकाउंट में अपना पैसा भेज दीजिए और ये 24 घंटे में वेरीफाई करके आपको दे देंगे, कहने को तो 24 घंटे लेकिन 1-2 घंटा भी नहीं लगता है, उससे पहले ही आपका पैसा इसमें ऐड हो जाता है। तो या तो यहाँ पे एनईएफटी या किसी भी चीज करिए, इनका अकाउंट नंबर निकालिए यहाँ पे क्लिक करके, देखिए एक्सप्रेस ट्रांसफर इस पे क्लिक करके या नॉर्मल ट्रांसफर पे क्लिक करके आप इनका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड निकालिए कंपनी का और कंपनी को पैसे भेज दीजिए और ये जीपे वाले जो है कि आपको आपका बैलेंस यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आसान तरीका मानता हूँ कौन सा, तो वो है नेट बैंकिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए पेमेंट गेटवे जो है ना यहाँ पे आई है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना अमाउंट डालिए, जो भी आपको अमाउंट डालना है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे आप 2500 से कम का नहीं खरीद सकते तो 2500 डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपके सामने एक होम पेज आएगा, एक पेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये आपसे मैं चार्ज लूंगा और उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या है कि आपको उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे, आपका एसेट बैंक में हो या किसी भी कोई भी बैंक में हो, तो उसका जो है कि नेट बैंकिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद जो है कि आप यहाँ से उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपका वो डाल के और पैसे वहां से कटवाइए और आपका पैसा यहां पे ऐड हो जाएगा विद इन 50 मिनट हमारे ख्याल से। 50 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 15 मिनट, ठीक है ना। तो यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो फिलहाल मैं तो यहां पे कोई ऐड नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मैं इसको कैंसिल करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल ऑप्शन भी काफी लाजवाब है, जब यहाँ पे आपको पैसे यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे पैसे शो हो जाए, तो यहाँ आप उसके बाद आपको बाई करना है, बाई पे जाना है। बाई पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपको ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आप इंटर अमाउंट कर दीजिएगा कितना का आपको बिटकॉइन खरीदना है और उसके बाद आप बाई पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सबसे कम जो है 1000 का खरीद सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है कि आप इतना का भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, खरीद लेना है। अब बात करते हैं इसके सेल की, तो सेल भी काफी लाजवाब है, यहाँ पे सेल पे जाइए, सेल पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपको ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे जो है कि आप जितना का बिटकॉइन सेल करना चाहते हो यहाँ पे डालिए और सेल पे क्लिक कीजिए और ये सारे के सारे आपको जो बैलेंस है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इस पैसे को बैंक में कैसे लेना है, इसके लिए विड्रॉ पे क्लिक करना होगा, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालिए, विड्रॉ पे क्लिक कीजिए और ये 10 रुपये का चार्ज रहेगा और आधे से 1 घंटे में आपका अमाउंट आपके बैंक में चला जाएगा। अब ये बात हो गई जेपे की, अगर आपको मर्जी है तो जेपे पे जाइए और रेफरल कोड जरूर डाल के आप इसमें खरीदिए। अब हम बात करते हैं यूनोकॉइन की, यूनोकॉइन भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इंडिया में बिटकॉइन सेल। अब जहां तक बात है यूनोकॉइन की, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगती है क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही अच्छा बिटकॉइन ये सेल करती है या साथ ही साथ आप बाई भी करवा सकते हैं इनके जरिए। तो इसके लिए सिंपली है कि आपको भी अकाउंट बनाना पड़ता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन होगा, तो साइन अप पे आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद जो है कि आप अपना जो भी चीज़ आपसे मांगा जाएगा वो डाल दीजिएगा। इसमें आपको एक और रेफर कोड मांगा जाएगा, रेफर कोड डालने से आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा कि आपको जो है कि 2 फायदे पहले मिलते थे, अब एक फायदा है कि आपको जो है कि 10 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा, ठीक है ना, 2-4 दिन या 8 दिन रुकने के बाद ये मिलता है। तो आपको एक रेफर कोड डालना है U187962, यहाँ पे देख सकते हैं, और कूपन मांगा जाएगा। तो फिलहाल अभी कोई कूपन नहीं चल रहा है, कूपन चलेगा तो हम आपको बता देंगे, तो रेफर कोड जरूर डालिएगा ताकि आप भी अपना रेफर कोड काम का एक्टिवेट करवा सके, ठीक है ना। इसके लिए आप डालिएगा U187962, ठीक है, उसके बाद साइनअप कर लीजिएगा। साइनअप करने के बाद आइए हम बताते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे खरीदना है। तो यहाँ पे भी आपको बाय बिटकॉइन और सेल बिटकॉइन का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए बाय बिटकॉइन पे और यहाँ पे आप अगर आपका पैसा इसमें ऑलरेडी पहले से तो आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आप पेयू मनी के जरिए भी खरीद सकते हैं। और पेयू मनी पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे खरीदना है बिटकॉइन, इसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन का आप चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स दी गई है। आप चाहे तो यहाँ से आप पैसे डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी पैसे इसको कट कीजिए, आप जितना खरीदना चाहते हैं उतना डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 982 रुपये से कम से नहीं खरीद सकते, इसलिए आप 1000 से कम का सोचिएगा मत, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस हाई हो गई है, पहले 200 रुपये से भी खरीद सकते थे लेकिन आप 1000 से कम नहीं खरीद सकते हैं।
नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए या पेयू मनी सेलेक्ट कीजिए, और नेट बैंकिंग से आप भुगतान करना चाहते हैं नेट बैंकिंग कीजिए, और पेयू मनी से करना चाहते हैं पेयू मनी कीजिए। आपका एक तुरंत में जो है बिटकॉइन यहां से बाई हो जाएगा। और पेयू मनी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और पेयू मनी इस्तेमाल कैसे करते हैं और साथ ही साथ बिटकॉइन को खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दे दी है। सेल बिटकॉइन का जहां तक बात है तो आप सेल बिटकॉइन पे जाइए और यहां पे जो भी आप बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं यहां पे टाइप कीजिए, और बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो बैंक पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आपका जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है यहां पे वेरिफिकेशन की। बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन में साइनअप करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दिखेगा आपका बैंक अकाउंट, यहां पे प्रोफाइल, तो आपको सिंपली प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद जो है कि यहां पे एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, अपडेट इन्फो, इसमें जाइए और यहां से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासबुक का जो फोटो कॉपी है वो आपको डालना है, उसका डिटेल्स डालना है, साथ ही साथ पैन कार्ड और उसका डिटेल्स डालना है। बैंक अकाउंट में जाके आप पूरा डाल दीजिए, एड्रेस बुक में जाकर पूरा डाल दीजिए, आधार कार्ड वगैरह मांगेगा तो दे दीजिएगा फोटो खींच के, और ध्यान रखिएगा कि ऐसा फोटो खींचेगा जो साफ साफ दिखाई दे, तभी जाके वेरिफिकेशन करेगा। और ये जब आप बैंक अकाउंट प्रोफाइल पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, तो समझिए कि अभी आपका अप्रूव नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है Unocoin पे, जब पे ठीक ठाक है, लेकिन Unocoin भी बहुत अच्छा है। आप दोनों पे ट्राई कीजिए और दोनों पे खरीदिए, और आपको जो जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है उस पे आप खरीदना चालू कर दीजिए। तो ये थी कुछ बिटकॉइन खरीदने की, इस तरीके से आप घर बैठे बैठे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको सिखा पाया हूँगा कि आप घर बैठे बैठे अपने इंडियन रुपीज से Unocoin या जेपे से कैसे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और इसको रखिए, बिटकॉइन को रखिए, खरीद लीजिए, बेचिए मत, रखिए, एक साल दो साल तीन साल के रखिए, अपने फर्क आपको पता चलेगा, उसके बाद आप खुद ही नहीं बेचेंगे उसे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अभी वक्त है, खरीद लीजिए, नहीं खरीदेंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा। ये मत सोचिए कि अब बिटकॉइन का रेट कमेगा तो हम खरीदेंगे, वो भूल जाइए अब रेट कमने का, कमेगा भी तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमेगा, लेकिन फिर वो 4 लाख 10 लाख 15 लाख ऊपर चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके बिटकॉइन खरीदिए और जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बिटकॉइन के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको मिले हमें मिलेगी, हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर लाइक और शेयर कीजिए, और हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए हमारे साथ, बोलते रहिए वही क्या, भारत माता की जय। नमस्कार।